ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जोधा को घाव लगने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? मंदिर पर मुगलों ने आक्रमण किया। तेरी जोधा मुगलों के घर जाएगी। उसकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं होगी। माता क्या कर रही हैं आप? कैसी भविष्यवाणी, किसके बारे में क्या बोल रही है? हम जोधा के लिए एक योग्य वर ढूंढेंगे। अब बस ये जानना है कि इन राजपूतों की सबसे अजीज चीज क्या है। मोती भाई, जागो ना मोती भाई, उठो ना। क्या कर रही हो सुकन्या तुम? कोई इस तरह से बीमार की खबर पूछता है? लोग कर लो बात। अब ये क्या बात हुई? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ना तो तुम मोती भाई को लेकर मंदिर जाती, ना उसकी ये हालत होती। कमाल करती हो तुम भी, इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो वहाँ पे देवी माँ के दर्शन के लिए गए थे ना। क्यों गई थी? अच्छा वह ढूंढने? मेरी मानो, देवी माँ को प्रसन्न वसन नहीं होने वाली। उन्होंने तो पहले से तय कर दिया है, बड़ी टोंड वाला गोभी का फूल। अच्छा तो अभी जाकर मासा को बताते हैं कि उस दिन तुमने हमारी ओढ़नी फाड़ी थी, फिर देखते हैं कैसे बनता है तुम्हारा दाल बाटी चूरमा, गोभी का फूल, सिवैया, बंदर बंदर, गधा गधा, ऊंट की पूछ। मुझे भूख लगी है। हाँ मोती, क्या खाओगी? दाल बाटी चूरमा, गोभी का फूल और सिवैया। जहाँ एक तरफ जलाल राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी तलाश रहा था, वहाँ राजा भारमल और रानी मैनावती अपनी जान से अजीज बेटी जोधा को लेकर चिंतित थे। जहाँ जलाल मोहब्बत के जज्बात को बेआबरू कर रहा था, वहाँ जोधा अनजान थी अपने माँ बाप की इच्छा से, जो उसका ब्याह जल्द से जल्द किसी राजपूत से कर देना चाहते थे। जहाँ जोधा अपनी अच्छाई से खुशियां बिखेर रही थी, वहाँ जलाल ने अब अपनी सारी ताकत राजपूतों पर केंद्रित कर दी थी। राजपुताना में डर कड़ियों को जोड़ रहा था। गणगौर में शामिल होने के लिए सभी राजपूत राजा तत्पर थे। उगते सूरज के साथ आमेर राजपूतों के निर्णय का उनके भविष्य का केंद्र बनने वाला था। तो जलाल राजपुताना को अंधेरे से ढक देना चाहता था। कुंवरी साहिबानी घणी खम्मा। क्या हुआ संतो? राजकुमारी सुकन्या और राजकुमारी शिवानी आपको बुला रही हैं। वो कह रही थी कि रौनक देखनी है, रौनक देखनी है तो आ जाओ। रौनक? जी, सारे राजपूत राजा अपने अपने कुंवरों के साथ आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। ठीक है, उन राजाओं को तो हम बाद में देख ही लेंगे, पहले इस राजा को तो देखें। तुम मेरे राजा को नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं। और फिर आपके राजा को बचाने के लिए कोई है भी नहीं। राजा हमेशा सुरक्षित होता है क्योंकि उसके आसपास हमेशा मोहरे होते हैं। सुजामल भाई साहब, जो राजा मोहरे पर भरोसा करते हैं वो जीत नहीं पाते। ये गया आपका मोहरा। राजा को बचा सकती है तो सिर्फ उसकी रानी, और ये मेरे घोड़े ने रानी को मारा, राजा को शह दी और ये मात। देखा सुजामल भाई साहब, आज तो अनहोनी हो गई आमेर में, हमने आपको हरा ही दिया। अब तो हमारी हिम्मत और बढ़ गई। अगर हम आपको शतरंज के खेल में हरा सकते तो फिर तलवारबाजी में भी हरा सकते हैं।
जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह एक समय में दो विचार। दरअसल हम शाम की सभा के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए हार गए। पता नहीं काका सा क्या निर्णय लेंगे। देखना भाई साहब, आज पूरा आमेर आपके राजा बनने की खुशी को मनाएगा। यदि ऐसा रहा तो हम मान लेंगे कि हम जीवन की शतरंज में जीत गए। ऐसा हुआ मतलब ऐसा ही होगा। राजपूतों को आपकी तलवार पर गर्व है। और फिर मुगलों के सामने आपका होना बहुत आवश्यक है। और अब तुम्हारा यहां से जाना आवश्यक है। क्यों? क्या पता कोई सुंदर राजकुमार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो। सुंदर राजकुमार तो हम अपनी बहनों के लिए ढूंढेंगे। हम तो उसी वीर से ब्याह करेंगे जिसमें जलाल का सर लाने की हिम्मत हो। कुंवर जगन्नाथ की जय। कुंवर जगन्नाथ की जय। उसे देखो दीदी, ना पाका नौजवान है, मजबूत शरीर, चेहरे का गुरूर और माथे का तिलक मानो राजपूतों की शान। शी! और उसके गाल पे ये काला लड्डू। काला लड्डू? उसके गाल पे ये काला मसा। ऐसा लगता है मानो कोई कुश्तीबाज भोलू पहलवान हो। हाय राम, हाय राम, कितना जोर से हंसती हो तुम दोनों। अब राजकुंवरों को देख लिया ना, अब चलो नीचे। मैं घनघोर की तैयारी दासियों के हाथ में नहीं सौंप सकती। अब सब आ गए हैं ना, तो राजनीति की बातें भी की जाएंगी, पूजा भी होगी और फिर शाम की सभा में तुम सबके लिए योग्य वर चुना जाएगा। भानपुर के राजा सूर्य भान सिंह की। भानपुर के राजा सूर्य भान सिंह की। भानपुर के राजा सूर्य भान सिंह की। क्या हुआ? ये सूर्य भान सिंह है चंद्र भान सिंह का बेटा। जैसा बाप वैसे ही बेटा। पता नहीं कौन सी भाग्यशाली राजकुंवरी इसकी रानी बनेगी। शादी सा किसी और का तो पता नहीं, पर लगता है कि जीजी के मन में अब इसे सूर्यभान का नाम का लड्डू फूटने लगा है। कहते हैं देखते ही प्यार हो जाना। बहुत काम बाकी है, चलो। जोधा, तुमने ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों मासा, इन कपड़ों में क्या बुराई है? हम लाए हैं तुम्हारे लिए कपड़े, ये देखो और ये गहने, इन्हें पहन लो। और हाँ, जल्दी करना, सभा किसी भी समय शुरू होने वाली है। पर मासा, ये कपड़े अच्छे तो हैं, और वैसे भी वहाँ पर राजनीति पर चर्चा होने वाली है, उसमें भी सजने की क्या आवश्यकता है? कैसे लगेंगे हम इतने सजे थे जो उन सबके बीच? अच्छी लगोगी, जल्दी से पहन लो। तुम्हारे बापू सा एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं आज। हम जानते हैं, पर वो घोषणा तो सुजामल भाई सा के लिए होने वाली है, उनको सजाइए ना, हमें क्यों? घोषणा तुम्हारे बारे में भी तो हो सकती है। पहन लो। घोषणा हमारे बारे में?
पसंद है। इसकी चाल, इसकी मजबूती, इसका रंग काबिले तारीफ है। ये हमारी शान के काबिल है। माफी जहां पना, पर वजीर सल्तनत इसे अपने लिए पहले से चुन चुके हैं। तो मना कर देना उन्हें, जिसे एक बार शहंशाह ने चुन लिया, चीज फिर कभी किसी और की पसंद नहीं बन सकती। और क्या खान बाबा को इतनी भी समझ नहीं जो अपनी ही पसंद पहले सामने रख दी? अब्दन! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी खान बाबा की शान में गुस्ताखी करने की? अब इस घोड़ी की नाल पर सिर्फ और सिर्फ खान बाबा के नाम की मोहर लगेगी। आपने घोड़ा क्यों दे दिया शहंशाह? जब आपको ही अपनी पसंद की चीज यहां हासिल नहीं होती तो ऐसी सल्तनत का क्या होगा? आज पता चला है कि तेरा सिर्फ ये शरीर ही टेढ़ा नहीं, तेरी समान भी टेढ़ी है। क्यों ना तेरी गर्दन काट के फेंक दे, फिर ना तेरी ये समान रहेगी ना उसकी गुस्ताखी। आपका खंजर ऐसी भूल नहीं करेगा जहां पना, मुझ जैसे के खून से इसका कद नहीं कम हो जाएगा। मेरी तो सिर्फ जान जाएगी पर आपकी शान, लोग क्या कहेंगे? शहंशाह ने एक निहत्ते कमजोर अपाहिज को मार दिया। निहत्ता अपाहिज? तू पसंद है क्योंकि तेरा ये तेज दिमाग, तेरी चालाकी हमें पसंद है। और ये तेज दिमाग हमेशा आपका वफादार रहेगा जहां पना। जाओ, लगा दो इस घोड़े पर वकील सल्तनत बैरम खान की मोहर, क्योंकि पहचान घोड़े से नहीं उसके सवार से होती है। और जिस घोड़े पर मेरे शहंशाह सवारी करेंगे वो सबसे बेहतरीन कहलाएगा। बाकी सब ख्वाहिश रखता हूं कि कभी तो बैरम खान के मंसूबे आपके सामने बेनकाब हों और आप समझ पाए कि हुकूमत भले ही आपकी रही है पर इसके पीछे उसूल हमेशा से बैरम खान के ही चले हैं। आमेर अधिपति, न्यायप्रिय राजा भारमल सभा में पधार रहे हैं। इतने कम समय में आप सबने हमारी विनती को मान देकर गणगौर उत्सव में आमेर आने का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद जो आप सब पधारे। हमने वर्षों से सुना था कि आमेर का गणगौर सचमुच देखने योग्य होता है। आपने सही सुना है, आमेर में देखने योग्य बहुत कुछ है और अब तो उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। आमेर को देखने योग्य एक शत्रु भी मिला है, जलाल। यही अवसर है जलाल के बारे में बात करने का, उसे देख लेने का। अवसर अवश्य है पर समय उचित नहीं, उनके बारे में हम एकांत में बात करेंगे। यह एक आम सभा है, यहां उनके गुप्तचरों के होने की संभावना है। हमने आने में देर तो नहीं की, घोषणा हो गई? वैसे देर तो कर ही दी है, सुकन्या चाची की पसंद भी देख लेते। आज की यह सभा हमने दो महत्वपूर्ण विषयों के लिए आयोजित की है, एक हमारी बेटी और दूसरा आमेर के भावी राजा के नाम की घोषणा। हम चाहते हैं कि सारा राजपूत समाज इस बात का साक्षी बने कि आमेर के होने वाले भावी राजा का स्वागत करें, उसे सराहें और उसका तिलक करें। जो आदर, स्नेह और सम्मान आप लोगों ने आज तक हमें दिया है वो उन्हें भी प्रेषित करें।
हमने तय किया है कि हमारे बाद हमारा रजवाड़ा, हमारे संस्कार और हमारी धरोहर को जो आगे बढ़ाएंगे उनका नाम है चिरंजीव भगवान दास। राजा भारमल सिंह की जय। कुंवर भगवान दास की जय। कर रहे हो सुजामल? ये छल है, कपट है। जबान संभाल के सुजामल, अपनी तलवार संभालो भगवान दास। जो गद्दी तुम्हें दान में मिली है वो हमारी है। ये तो वही मिसाल हो गई कि खेत जोतने को दिया और जोतने वाला मालिक बन बैठा। ये गद्दी हमारे पापूसा ने काकासा को संभालने के लिए दी थी और वो खुद ही राजा बन बैठे। और इतना ही नहीं, जब हम इस योग्य हुए तो तुम्हें सौंप दी। इससे बड़ा छल और कपट क्या होगा? ये क्या तमाशा है? तलवार म्यान करो सुजामल। नहीं काकासा, अब ये तलवार म्यान नहीं होगी। इसने उस अन्याय को देख लिया है जो वर्षों से हो रहा है। अवसर तुम्हें भी मिलेगा, थोड़ी प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा दुर्बल करते हैं काकासा। योद्धा नहीं, इस गद्दी के लिए मैं वापस लौटूंगा, अपना अधिकार और अमेर वापस लेकर आऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी का वध क्यों न करना पड़े। आमेर सुजामल का है और वो उसे लेकर रहेगा। आपकी गद्दी यहाँ होगी। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ होगी। अरे हम राजा हैं, हम यहाँ नहीं, हम यहाँ बैठेंगे। आमेर के राजा सुजामल की जय हो। इस तरह जाने देना उचित नहीं, आदेश दें। कांटा जब स्वयं निकल रहा हो तो उसे निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। आमेर की गद्दी आपका यह बेटा सुजामल वापस लेकर रहेगा। भाई साहब, इस तरह मन में लाकर के मत जाइए, कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। अब एक ही रास्ता बचा है जोधा, जो आमेर के बाहर जाता है। भाई साहब,
हम आपके साथ हैं भाई साहब। तुम सदैव हमारे साथ रहोगी चौधा। एक पूरे आमेर में तुम ही तो हो जिसकी हम परवाह करते हैं। तो फिर रुक जाइए ना, इस तरह अगर आप चले गए तो लोग आपको विद्रोही समझेंगे। अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों को हमेशा विद्रोही कहा जाता है। इससे पहले कि वो सिपाही आके इस विद्रोही को पकड़ लें, हमें जाने दो चौधा। हम वचन देते हैं कि हम तुमसे मिलने और अमेरिके लिए वापस लौटेंगे। ढूंढो उसे, बच के जाने ना पाए। वो अपने कक्ष की ओर गया होगा। सुजामल भाई साहब, पकड़ो 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 उसे। हमने तो सोचा था कि आपने जोधा का वर ढूंढने के लिए सभा बुलाई है, मगर आपने तो आमिर की राजा की घोषणा कर दी और सुजामल को अपना दुश्मन बना बैठे। और कोई चारा नहीं था हमारे पास। हमने कहा था ना कि सुजामल जवान है, गरम खून है और महत्वाकांक्षी भी। उसे जैसे ही गद्दी मिलती वो सबसे पहले राजपूतों पर अपना आक्रमण करता, और इतना ही नहीं अपने चचेरे भाई बहनों को भी नहीं छोड़ता। राजनीति हमें समझ नहीं आती बापू साहब, और ये भी समझ नहीं आता कि हम अपने एक भाई के खोने का दुख मनाएं या दूजे के राजा बनने की खुशी। हमने सुजामल को बेटे की तरह ही पाला पोसा था जोधा, पर सुजामल को बेटा नहीं, उसे तो राजा बनना था। आज भरी सभा में सुजामल ने जो किया वो कतई क्षमा के योग्य नहीं है। और जोधा, अगर तुमने अपना भाई खोया है तो हमने भी एक राजपूत योद्धा खोया है, बेटा खोया है हमने। एक बेटा रूठ गया है तो दूसरे को ढूंढना पड़ेगा। हम समझे नहीं मैनावती। जोधा का ब्याह करा देते हैं तो दामाद भी तो हमारे बेटे जैसा ही होगा। सच कहा तुमने, जोधा की शादी राजपुताना के इतिहास का सुनहरा पन्ना होगा। बस एक बार हमें जोधा की पसंद मिल जाए। फौजें तैयार हैं जहां पना। खबर मिली है कि सारे के सारे राजपूत राजा गणगौर के उत्सव में आमेर में इकट्ठा हो रहे हैं। गणगौर का उत्सव करीब 18 दिन का त्योहार होता है। ठीक है, जब सब राजपूत साथ होंगे हम जंग करेंगे। सियासत कहती है कि दुश्मन पर हमला तब करना चाहिए जब वो अकेला हो। तो अब सियासत की समझ हमें तुमसे देनी होगी।
गुस्ताखी माफ जाफना। ताकत के दम पर जीतने के ख्वाब बेअक्ल देखते हैं, उन्हें तो सबको साथ सब साथ, ताकि वक्त बर्बाद ना हो, बर्बाद ना हो, बस फिर एक बार सब राजपूतों का सर धड़ से अलग ना रहेगा सर, और ना रहेगा उसका गुरूर।